हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक लेटेस्ट थाई बीएल को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसका नाम है द एक्लिप्स। और इसका फर्स्ट एपिसोड अभी लास्ट नाइट ही आया है। और इस सीरीज में अक के कैरेक्टर को फर्स्ट ने प्ले किया है और अयान के कैरेक्टर को खाओतुंग ने। फर्स्ट को इससे पहले आप लोगों ने नॉट मी में देखा होगा और खाओतुंग को टॉन हॉन चोंगलाटी में। और इसके अलावा इस सीरीज में आप लोगों को लुइस और नियो भी दिखेंगी, जिन्हें हम लोगों ने इससे पहले फिश अपॉन द स्काई में देखा था। और ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है और पानी के बीच एक बोट होती है, जिसमें हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर अक होता है। वो अपने मन में बोलता है कि एक स्मॉल टाउन में रहने वाले लड़के की लाइफ इतनी केयरफ्री है कि वो कभी कभी चाहता है कि वो टाइम रोक पाता और उसे बड़ा नहीं होना, बस उस चीज को देखने के लिए। आगे हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां सारे स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म में होते हैं और वहां के प्रिंसिपल सभी को बोलते हैं कि उनके स्कूल का एक पुराना और लंबे टाइम से चल रहा एक रेपुटेशन है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि रूल्स के साथ इज्जत आती है। और यही बात सारे स्टूडेंट्स बार बार रिपीट कर रहे होते हैं और वहाँ उन सारे स्टूडेंट के बीच अग भी होता है। वहीं स्कूल के बाहर कुछ स्टूडेंट्स इसी चीज के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं कि अगर ये रूल लंबे टाइम से चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और स्कूल का यूनिफॉर्म उन्हें स्मार्ट नहीं बनाता, क्योंकि उनकी बॉडी पे उनका पूरा हक है। तो वो स्टूडेंट्स स्कूल के यूनिफॉर्म के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं और अक और उसके कुछ फ्रेंड्स को स्कूल का प्रीफेक्ट बनाया जाता है। और अक से प्रिंसिपल बोलते हैं स्कूल की इज्जत अब अक के हाथों में है, तो वो उसका ख्याल रखे। अक उन्हें यस बोलता है और बैकग्राउंड से उसकी आवाज आती है कि जब भी सूर्य ग्रहण नजदीक होता है, उनके स्कूल के ऊपर का श्राप और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है। आगे अक को स्कूल के बाहर जल्दी जल्दी आते दिखाया जाता है जहाँ सारे स्टूडेंट नारे लगा रहे होते हैं। अक वहाँ जल्दी जल्दी आकर उन स्टूडेंट्स को रुकने को कहता है कि तभी एक कार सारे स्टूडेंट्स की तरफ आ रही होती है और वो सारे लोग घबरा जाते हैं और वो स्टूडेंट्स घबरा कर जमीन पे गिर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जाकर कार में चेक करते हैं जिसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होता। थुआ बोलता है कि बिना किसी ड्राइवर के ये कार यहाँ तक कैसे आ गई। कान बोलता है कि क्या ये सब दोबारा से वही श्राप है। श्राप वाली बात सुनकर वो लोग घबरा जाते हैं। तभी अक का ध्यान कुछ दूरी पे खड़े एक लड़के की तरफ जाता है और वो लड़का इस सीरीज का एक और मेन कैरेक्टर अयान होता है। अक अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि वो लोग यहाँ के प्रॉब्लम्स को संभाले। ये कहकर अक अयान के पीछे जाने लगता है। अयान उसे आता देखकर वहाँ से भागने लगता है। अक अयान के पीछे तेजी से भाग रहा होता है और वो उसे रुकने के लिए आवाज लगाता है, पर अयान नहीं रुकता। आगे अक एक वॉशरूम के पास पहुंचता है और आसपास अयान नहीं होता, तो अक उस वॉशरूम के अंदर जाता है और जहां पे अयान को पी करते दिखाया जाता है। अक उसे बोलता है कि ये वॉशरूम सिर्फ टीचर्स के लिए है और स्टूडेंट्स इसे यूज नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स का यहाँ आना मना है। अयान उसे बोलता है तो फिर अक यहाँ पे क्या कर रहा है, और अक अयान को दिखाकर अपने पैंट के जिप लगाता है। अक उसे ऐसे देखकर नर्वस हो जाता है, पर वो अयान से बोलता है कि अक इस स्कूल का प्रीफेक्ट है। अयान कहता है तो क्या हुआ। अक अयान से बोलता है कि अयान ने स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी। अयान बोलता है क्योंकि उसे नहीं पहननी थी। अक बोलता है पर उसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहननी होगी क्योंकि ये स्कूल का रूल है। अयान उसके नजदीक आकर बोलता है कि जब उसका मन होगा तो वो उसे पहन लेगा। ये कहकर वो उसे हटाकर वहाँ से चला जाता है। अक अयान के पीछे जाता है और वो अयान से बोलता है कि अक स्कूल का प्रीफेक्ट है और ये उसकी ड्यूटी है कि सारे लोग स्कूल के रूल्स को फॉलो करें। अयान उसे बोलता है कि अभी स्कूल के सामने जो एक्सीडेंट हुआ, अक जाकर उसका पता क्यों नहीं लगाता, और वो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है अयान के पीछे अपना टाइम देने से, क्योंकि जो सारे स्टूडेंट्स उस कार के सामने थे और उन सारे स्टूडेंट्स का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है, तो उन स्टूडेंट्स को उस कार से चोट लगने वाली थी। अक अयान से बोलता है कि इससे अयान का कोई भी लेना देना नहीं है और वो चीज वो लोग खुद संभाल लेंगे। अयान उसे बोलता है कि अयान के स्कूल का पहला दिन ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अजीब हो गया है और अब वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है। इस स्कूल में
अयान के लिए और क्या क्या रखा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ कान और वाद बातें कर रहे होते हैं और वो लोग उसी कार के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कार खुद से कैसे चल रही थी। कान बोलता है कि ये सब बस उस श्राप की वजह से ही हुआ। लास्ट बार एक फ्लावर पॉट गिरा था और इस बार ये भूत वाली कार आ गई, तो पता नहीं अब आगे क्या होगा। तभी अक क्लास में वापस आता है और वो काफी परेशान होता है। कान उससे पूछता है ये बात क्या है, उसका चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है। अक उन लोगों से पूछता है कि क्या उन लोगों ने यहाँ सब कुछ संभाल लिया। वो लोग बोलते हैं कि हाँ, पर उससे पूछते हैं कि वो आखिर कहाँ गया था। अक उन्हें बोलता है कि वो एक नए स्टूडेंट के पीछे गया था। वो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा अजीब है, वो बहुत ही अजीब बातें कर रहा था। कान बोलता है कि पुराना प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ और नया भी आ गया। वाद बोलता है कि कान उस श्राप का सबसे बड़ा फैन है। कान उसे कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसके संभालने के लिए बहुत ही ज्यादा है, और वाद कान को टीज करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों झगड़ने लगते हैं। परक उन्हें बोलता है कि उसे उस नए लड़के को पकड़ना होगा। वाद बोलता है कि क्या वो जानता है कि वो कौन से क्लास में है और बिना जाने वो उसे कैसे पकड़ेगा। तभी क्लास में उनकी क्लास टीचर आती है और उन्हें देखकर वो सारे लोग अपने जगह पे जाकर बैठ जाते हैं, और टीचर आकर उन्हें बताती है कि आज क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है, और क्लास का वो नया स्टूडेंट अयान ही होता है। अक उसे देखकर चौंक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। टीचर अयान से बोलती है कि वो सभी को अपना नाम बताए। अयान क्लास में अक की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखकर अपना नाम बताता है। टीचर तुआ से बोलती है कि अयान उसके पास बैठेगा तो उसका ख्याल रखे, पर अक बोलता है कि अयान को उसके साथ बिठाया जाए और कान और तुआ साथ में बैठ जाएंगे। अक क्लास का प्रीफेक्ट है, वो अयान का अच्छे से ख्याल रख सकता है। अयान उसके साथ बैठने वाली बात मान लेता है और वो जाकर अक के पास बैठता है। अक अयान से बोलता है कि अयान जिस भी वजह से यहाँ आया है अब से अक उस पे अपनी पूरी नजर रखेगा, और ये बात अयान अपने दिमाग में डाल ले। अयान उसकी बातें सुनकर उसके करीब आता है और उसके थाई पे अपना हाथ रखता है और उसे बोलता है कि अगर अक अयान को पकड़ सकता है तो वो उसे पकड़ कर दिखाए। अक उसकी बात सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाता है और अपने थाई से उसका हाथ हटाता है और अयान स्माइल करने लगता है। आगे हमें अक को अपने रूम पे दिखाया जाता है जहां उसके साथ कान और वाद भी होते हैं, और अक अयान के बारे में चेक कर रहा होता है जहां उसे पता चलता है कि अयान दूसरे स्कूल से है। कान बोलता है कि वो स्कूल उनके स्कूल का दुश्मन है। अक बोलता है कि अयान सेमेस्टर के 3 वीक बाद अचानक यहाँ ट्रांसफर कैसे हुआ, ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब है। कान बोलता है कि शायद वो उनके स्कूल के रेपुटेशन को खराब करने आया हो। वाद बोलता है कि उसने मूवीज में देखा है कि हमेशा एक इंसान ऐसा जरूर होता है जिसका कोई एक इरादा होता है कुछ करने का। अक उसकी बात सुनकर बोलता है तो उन्हें पता करना होगा कि अयान का इरादा क्या है। अक अयान की फोटो को देखकर बोलता है कि अयान किस इरादे से उनके स्कूल पे आया है, और तभी कान बोलता है कि वो लोग खा क्यों नहीं रहे हैं और खाना जल रहा है। अक उन्हें बोलता है कि वो लोग उसके रूम पे खाना क्यों पका रहे हैं, इससे उसके रूम पे पूरी स्मेल फैल जाएगी, पर इसके बाद वो सारे लोग खाने लगते हैं। आगे हमें एक ऊंचाई वाली जगह का सीन दिखाया जाता है और ऊंची जगह पे एक आदमी खड़ा होता है। तभी अयान वहाँ पे भागता हुआ आता है और वो आदमी उस जगह से नीचे कूद जाता है और अयान जोर से चीखने लगता है कि तभी उसकी नींद खुलती है और उसने ये बुरा सपना देखा था, जिसे देखकर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने आप को संभालने लगता है और अपने पास से एक लॉकेट जैसी चीज निकाल कर अपने सीने से लगाता है। आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां अयान स्कूल के लिए रेडी होता है कि तभी उसके पास उसके मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उससे नए स्कूल के बारे में पूछती है और उसे कहती है अयान को अपने पुराने स्कूल में वापस चले जाना चाहिए, और उसकी मॉम
उसे किसी चीज को करने से रोकने जाती है, पर अयान अपनी मॉम को वो बात पूरा बोलने नहीं देता और कहता है कि अयान इसी स्कूल में जाएगा जो कि उसने सोच लिया है, और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। और अयान के पास एक डायरी होती है जिसकी तरफ देखकर वो सीरियस हो जाता है। आगे अयान स्कूल के बाहर पहुंचता है और बाहर खड़ा वो स्कूल के तरफ देख रहा होता है, और वही आदमी जिसने ऊपर से जंप किया था वो अयान को स्कूल के रूल्स के बारे में बता रहा होता है कि स्कूल का रूल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, एक छोटी सी भी गलती हुई और उस पे पूरी नजर रखी जाएगी। तभी वहाँ पे अक आ जाता है और उसे बोलता है अयान ने अब भी स्कूल का यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना। अयान उसे कहता है कि जब उसे पहनना होगा तब अयान उसे पहन लेगा। क्या अक यूनिफॉर्म पहनना चाहता है इसलिए पहनता है, या किसी के बोलने पे वो पहनता है, क्या किसी ने उसे फोर्स किया है? अक कहता है कि वो खुद से पहनता है क्योंकि वो पहनना चाहता है और किसी के बोलने पे नहीं। अयान उसे बोलता है तो ये सरप्राइज की बात नहीं है कि क्यों उसे प्रीफेक्ट क्लब का प्रेसिडेंट बनाया गया इस उम्र में, जब लोग इन सारे स्टूपिड रूल्स पे भरोसा नहीं करते, पर अक इन सारे रूल्स को फॉलो करता है। अक अयान के इस बात को सुनकर नाराज हो जाता है और वो अयान का कॉलर पकड़ लेता है और वो उसे बोलता है कि इस स्कूल के रूल्स स्टूपिड नहीं है। अयान उसे बोलता है तो क्या स्कूल के रूल्स का ख्याल रखने वाला स्कूल के रूल्स को तोड़ रहा है अयान पे वायलेंस करके, पर वो उसे कह रहा है कि अगर अक ने उसे एक बार पंच मारा तो अयान अक को किस कर लेगा, क्या वो ये चाहता है? ये कहकर वो अक के करीब आने लगता है और वो उसे किस करने के लिए पाउट करने लगता है। अक अयान के इस बात को सुनकर नर्वस हो जाता है, पर तभी अनाउंसमेंट होती है और स्कूल के सारे प्रीफेक्ट्स को बुलाया जाता है। अक उसे बोलता है कि अयान इस बार बच गया, अगर अक को बुलाया नहीं गया होता तो अयान को जरूर चोट लगती। अयान अक की बात को सुनकर स्माइल करने लगता है और उसे बोलता है कि अक ने अयान का किस मिस कर दिया। अक उसे बोलता है कि वो एक दिन अयान को जरूर ठीक करेगा। अयान उसे बोलता है तो वो अभी करे, अभी इसी वक्त। अक उसे कहता है कि अयान बकवास बंद करे, और क्या उसे ऐसा लगता है कि अक उसे नहीं मार सकता। अयान अक के कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और बोलता है कि उसे अक जैसे लोग बहुत ज्यादा पसंद है, और वो अगेन उसे किस करने के लिए पाउट करने लगता है, पर अक उसे अपने सामने से हटाता है और वहाँ से चला जाता है। अयान उसे पीछे से टीज कर रहा होता है, पर उसके जाने के बाद वो अपनी डायरी की तरफ देखता है और बिल्कुल सीरियस हो जाता है। वहीं हमें प्रिंसिपल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां सारे प्रीफेक्ट्स होते हैं और वो सारे स्टूडेंट्स भी, जो उस वक्त कार के पास थे जब कार उनके तरफ बढ़ रही थी। टीचर स्कूल के ड्राइवर से पूछ रही होती है कि क्या उसने जल्दी में बिना ब्रेक लगाए ही कार तो नहीं छोड़ दिया था। ड्राइवर बोलता है कि उसने ऐसा नहीं किया। इस बात पे वो स्टूडेंट्स टीचर को बोलते हैं कि वो पुराना ड्राइवर है, उससे ये गलती कैसे हो सकती है, पर टीचर बोलती है कि ये सब बस एक एक्सीडेंट था। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वो बस एक एक्सीडेंट नहीं था, वो लोग अच्छे से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते, कोई स्टूडेंट्स को चोट पहुंचाना चाहता है, सब पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। तभी कान बोलता है कि ये बस एक श्राप है, वो सारे लोग रूल नहीं मानते और प्रॉब्लम करते हैं, और इसी वजह से श्राप वापस आ गया। क्या वो लोग भूल गए, जब भी सूर्य ग्रहण नजदीक होता है तभी ये श्राप पावरफुल हो जाता है और उन स्टूडेंट्स पे आता है जो स्कूल के रूल्स को तोड़ते हैं या रूल्स नहीं मानते। एक स्टूडेंट उसे बोलता है कि कान साइंस का स्टूडेंट है और वो इन सारी बकवास बातों पे कैसे भरोसा कर सकता है। वो लोग टीचर से बोलते हैं कि ये सब बस एक एक्सीडेंट नहीं था और जरूर कोई इन सब के पीछे है, उन्हें पता लगाना होगा कि इन सब का जिम्मेदार कौन है। पर उनके प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये सब बस एक एक्सीडेंट था और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि स्कूल का कोई भी इंसान स्कूल के दूसरे किसी इंसान को हर्ट करना चाहेगा। इन सारी बातों को सुनकर टीचर को कुछ भी समझ नहीं आता और वो भी स्टूडेंट और प्रिंसिपल की तरफ देखने लगती है। आगे हमें अयान को वॉशरूम में दिखाया जाता है जहां दो स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स पे शॉप आ गया है और कुछ दिन पहले भी उनके ऊपर फ्लावर पॉट गिरा था पर उन्हें चोट नहीं लगी, और कल एक कार उन्हें हिट करने वाला था, और जब भी
सूर्य ग्रहण आता है, ये श्राप बढ़ जाता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अयान इन सारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है। वहीं वो टीचर प्रिंसिपल से बातें कर रही होती है। वो प्रिंसिपल से कहती है कि क्या उन लोगों ने ऐसा करके सही किया, अगर स्टूडेंट्स खुद से पता लगाने लगे तो फिर क्या होगा। पर प्रिंसिपल उन्हें बोलते हैं कि वो अपना काम करे और ये सारे क्वेश्चंस ना करे। वो टीचर प्रिंसिपल को कुछ भी नहीं कह पाती। आगे हमें टीचर्स के कॉमन रूम का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे बाकी के सारे टीचर्स अपना लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो टीचर आती है और वो अपने एक सीनियर टीचर से पूछती है कि क्या वो उनसे कुछ पूछ सकती है। वो उन्हें बोलती है कि वो एक नई टीचर है, क्या वो स्कूल के बारे में कुछ जान सकती है, क्या स्कूल का श्राप सच है। श्राप वाली बातें सुनकर टीचर्स उनके तरफ देखने लगती हैं। वो टीचर बोलती है क्योंकि कल जो एक्सीडेंट हुआ और वो सारे स्टूडेंट्स इस बात को नहीं मान रहे हैं। वो सीनियर टीचर उन्हें बोलती है कि प्रिंसिपल ने उन्हें क्या कहा। टीचर बोलती है कि यही, कि इन सारे चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। सीनियर टीचर उन्हें बोलती है तो उन्हें उनकी बात माननी चाहिए। अगर वो यहाँ पे ज्यादा लंबे टाइम तक काम करना चाहती है तो वो इन सारे चीजों में ना पड़े जो कि उनका काम नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे हमें अयान को सीढ़ियों पे बैठे दिखाया जाता है और वो अपनी डायरी पे स्कूल के रूल्स के बारे में लिख रहा होता है कि रूल्स के तोड़ने पे उन्हें क्या पनिशमेंट दी जाती है। और अयान को पुरानी बातें याद आती है जब अयान ने स्कूल के रूल्स के बारे में उसी आदमी से पूछा था कि स्कूल के रूल तोड़ने पे क्या होता है और उनके साथ क्या किया जाता है। वो अपने ख्यालों में डूबा होता है कि तभी वहाँ पे अक आकर उसका नाम पुकारता है और उसके साथ कान और वाद भी होते हैं। अक को वहाँ देखकर अयान अपनी डायरी रख देता है, पर अक देख लेता है कि अयान के पास एक डायरी है। अक उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है और वो क्लास में क्यों नहीं है। अयान बोलता है कि वो बस घूम रहा था। क्या स्कूल में थोड़ा घूमना भी स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। वह तक से बोलता है कि ये लड़का सच में बहुत ज्यादा अजीब है, जैसा अक ने उन्हें बोला था। अक उन्हें कहता है क्या उन लोगों को अब अक की बातों पे भरोसा हुआ कि अयान सच में अजीब है। तभी पास से कुछ स्टूडेंट्स की आवाज आने लगती है और अक अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चला जाता है और अयान अपनी डायरी की तरफ देखने लगता है और अयान सोचने लगता है और फ्रेंड्स मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट मे बी कल या परसों तक आए। और फ्रेंड्स यहाँ आप समझ सकते हैं कि अयान किसी इरादे से इस स्कूल में जरूर आया है, पर उसे स्कूल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है कि स्कूल के रूल्स आखिर क्या है और ना ही उसे स्कूल के श्राप के बारे में कुछ भी पता है। उसे उस आदमी ने जितना बताया बस उसे उतना ही पता है और वो यहाँ पे स्टूडेंट्स की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता है। और शायद वो आदमी अयान का कोई रिलेटिव होगा, उसका बड़ा भाई या फिर उसका अंकल, और शायद उनकी मौत स्कूल से ही रिलेटेड है और तभी अयान इस स्कूल में आया होगा। और हम यहाँ समझ सकते हैं कि अयान इस बात को अच्छे से समझ गया कि अक उस पे अपना पूरा ध्यान देता है क्योंकि वो परफेक्ट है और उसका ये काम है कि सारे लोग स्कूल के रूल्स को फॉलो करें। पर अयान नहीं चाहता कि अक उस पे अपना ध्यान दे क्योंकि अयान का इरादा कुछ अलग है और इसी वजह से अयान उसे छेड़ता है ताकि अक उससे दूर रहे। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।